आप सबके अंदर छुपे हुए भगवान को मेरा प्रणाम। इस पूरी यात्रा में मैंने ये सीखा है कि हमारा मन चंचल होता है, एक साथ हजारों वस्तुओं का बोझ उठाने का प्रयत्न करता है। आसपास की वस्तुएं जिन्हें तुम सुनते हो या सूंघते हो, जिनका विचार करते हो या विचार न करने का प्रयत्न करते हो, तुम्हें इस प्रकार ध्यान केंद्रित करना होगा कि एक पल में मात्र एक वस्तु की कल्पना करो और उसके पश्चात कुछ नहीं। इसका कड़ा अभ्यास किया तो अपने सचेत मन से अपनी चुनी हुई किसी एक वस्तु पर तुम 3.5 मिनट ध्यान लगा पाओगे। स्वयं प्रयत्न करने की कोशिश करो, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए जिस चीज पर आप ध्यान लगा रहे हैं वो वस्तु आपके सामने है। कुछ पलों में तुम्हारा मन भटकने लगेगा, अन्य विचार प्रकट होंगे, ये कठिन होता है। जब आप इस ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने विचारों को 1 से 2 मिनट रोकने में कामयाब हो गए हैं। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए हैं। आप ये महसूस करोगे कि जब आप अपनी आंखें बंद करके एक वस्तु के ऊपर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान लगाते हैं तो आपको उस वस्तु की रूप रंग रेखा दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तब आप ध्यान के सागर में उतर जाते हैं। जब आप ध्यान के सागर में उतरते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है। ओम नमः शिवाय। राम राम भाइयों।